हेलो पीपल, गवर्नमेंट स्कीम्स में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। सो दिस वन इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड लेट्स सी इसमें क्या क्या टॉपिक है। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ वुमेन सिटिंग ओवर हियर एंड दे आर मे बी दिस लिटिल गर्ल इज अ लिटिल फियरफुल and she doesn't know what is menstruating, and when she sees these women with difficulties, she wonders what happens with them. So she wonders whether it like she never becomes a woman. So dekhte hain ye menstruation mein kya issues hain. Menstruation hygiene for adolescents girl ye ek scheme hai, aur isme hai ki jo menstruation hygiene ki samasya hai रूरल एरियाज में गर्ल्स में एडोलेसेंट गर्ल्स में, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की है इस स्कीम के थ्रू। तो ये स्कीम में क्या है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट? तो पहला है कि इसमें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और फंड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं दैट इज थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फंड दिए जाते हैं, और वो सारे स्टेट्स डिसेंट्रलाइज तरीके से वो सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोक्योर कर सके। अब क्या होगा कि जब ये प्रोक्योर करेंगे तो जो गर्ल्स है रूरल गर्ल्स को, उन्हें सब्सिडाइज रेट पर ये मिल सकते हैं। आगे देखते हैं तो स्कीम व्हाट डज इट इनकम्पासेस, मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहला है कि इसके बारे में जानकारी। सो जानकारी में वी हैव टू इंक्रीज द अवेयरनेस। ऑल्सो अवेयरनेस होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि नैपकिन अगर रहे ही नहीं तो अवेयरनेस का क्या करना है। सो देयर इज अ नीड ऑफ एक्सेस पॉइंट। ये एक हाथ है जो रीच कर रहा है, एक्सेस की बात हो रही है। उसके बाद ये क्योंकि हाइजीन की बात होती है तो जो नैपकिन है सैनिटरी नैपकिन, उन्हें सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। और इसके लिए जो आशा वर्कर्स है उन्हें फंड्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि क्या हो कि वो इस अवेयरनेस कैंपेन को चला सके, वो मंथली गर्ल्स को बता सके कि व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट टू बी क्लीन। आगे बढ़ते हैं तो आशा वर्कर्स हैं कौन। आशा वर्कर्स का वैसे फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये बेसिकली एक की कंपोनेंट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। तो इसमें क्या होता है कि हर एक विलेज में प्रोवाइड किया जाता है एक आशा वर्कर जो कि ट्रेंड होती है, दे आर ट्रेंड। आगे बढ़ते हैं तो ये सिलेक्शन कैसे होता है इनका। इनका सिलेक्शन विलेज में ही होता है कम्युनिटी के बीच में। तो कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ, ये बेसिकली उनके बीच की इंटरफेस एक्ट करती है। मतलब ये जो भी कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है, जो भी उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ज्ञान हासिल होता है। आगे बढ़ते हैं तो और भी क्या इंफॉर्मेशन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, और ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तौर पर ये जो प्रोग्राम है बेसिकली 18 टू 19 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में जो गर्ल्स है उनके लिए है। तो इसके मद्देनजर ध्यान रखते हुए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल डेवलप किया गया, मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू गर्ल्स को सहायता हो सके। तो ये जो मटेरियल्स डेवलप किया गया इससे हमें अवेयरनेस मिलती है, और अवेयरनेस के साथ साथ हमें इससे सेफ हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है लड़कियों को। और ये मतलब मटेरियल में कैसा है कि इसमें ऑडियो अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, रीडिंग मटेरियल्स भी अवेलेबल है। तो इससे काफ़ी मतलब इसके बारे में क्लैरिटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उन्हें अल्टरनेटिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में
कुछ नया डेवलप करने की बात चल रही है, ताकि वो मतलब सेफ भी रहे और वो कंफर्टेबल भी रहे यूज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है इंजेक्शन लेके, एंड देयरफॉर इट इज रिलेटेड टू इंजेक्शन, और देखते हैं इसमें क्या है। तो अभी हाल ही में 12 बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली में इसे फीचर किया गया है, और ये एक स्पेशल इशू है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का, जिसका हेडिंग है इम्प्रूविंग वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडिया। इसका थोड़ा आगे भी नाम है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल हो गया है। इसका सारी है ये। तो इंद्रधनुष मिशन क्या है? इट्स अ फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रंस अप टू 2 ईयर्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेगनेंट वुमेन एंड टू कवर एट रैपिड पेस। मिशन इंद्रधनुष इज लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च इन 2014 आई गेस। आगे बढ़ते हैं। तो रिपीटिंग द सेम पॉइंट, चिल्ड्रेन 2 साल के होने चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन भी इसमें कवर्ड है, और 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा फर्स्ट जो 7 है वो डिप्थेरिया है, टेटनस है, वूफिंग कफ है, पोलियो है, टीबी है, मेजल्स भी है, हेपेटाइटिस बी है। सो ये हो गया टोटल मिला के 7। उसके बाद इसमें दो और ऐड हुए, दो ऐड हुए में जैपनिस इंसेफलाइटिस हुए, हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा हुए। उसके अलावा बाद में और 4 हुए, जो कि है रुबेला, ये मैंने रिपीट कर दिया है, इंजेक्टेबल पोलियो है, रोटा वायरस है, और आखिर में निमोनिया भी इसमें शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत, पीएम जय भी बोलते हैं, इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसमें यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखिए, ये जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख ओपन हुआ है, और एक इसमें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी है। देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो प्रोटेक्शन स्कीम है उसके उसमें 5 लाख पर फैमिली कवरेज है पर ईयर, और ऑलमोस्ट सारे सेकेंडरी केयर प्लस मोस्ट ऑफ द टर्शरी केयर इसमें कवर है। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होंगे, और एक डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा। तो बेनिफिट इसके पोर्टेबल होंगे अक्रॉस द कंट्री, मतलब कहीं पे भी इसका फायदा उठाया जा सकता है, और कैशलेस बेनिफिट्स है इसमें। कैशलेस बेनिफिट्स में इसमें एक्चुअली इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है। इम्पैनल्ड का मतलब हो गया कि इसमें कुछ शामिल किए गए, किस किस हॉस्पिटल में ये बेनिफिट मिलेगा, सारे में नहीं मिलेगा। तो लिस्ट में पब्लिक हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। देखते हैं आगे क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में 10.74 करोड़ पुअर फैमिली इसमें कवर्ड होंगे, और ये फैमिली का सिलेक्शन कैसे हुआ? सिलेक्शन हुआ है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेस के थ्रू, जिसमें कि रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन दोनों शामिल है। इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लेवल पे नेशनल हेल्थ एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ है, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी बने हैं। एक्सपेंडिचर जो होगा इसका स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये लॉन्च हुआ था 2003 में, और इसका पर्पस ये था कि एक्चुअली टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है इंडिया में, उसमें काफी रीजनल इम्बैलेंसेस है। जैसे बड़े बड़े जगहों पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बट द स्मॉलर प्लेसेस डजेंट हैव सच फैसिलिटी। सो टू करेक्ट द रीजनल इम्बैलेंस,
टर्शरी हेल्थ केयर इन द सेक्टर ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर, ये योजना का लॉन्च हुआ था 2003 में। तो देखते हैं इसमें क्या है। सो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसके दो कंपोनेंट है। पहला है कि इसमें एम्स हॉस्पिटल जो है वो सेटअप किए जाएंगे और जो पुराने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनकी अपग्रेडेशन भी होगी। तो इसी प्रोग्राम के तहत देवघर में अभी नया एम्स खुला है और ये फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इससे क्या होगा कि जैसे जो एरिया है, लोकल एरिया, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, हॉस्पिटल हेल्थ तो इम्प्रूव होगा ही, तो काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेसन एंड तब तक के लिए बाय बाय।